स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फुल एंजॉयमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए, जिसके दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन के सारे दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। देखिए, ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। ये त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग, इसका अपना एक विशेष महत्व है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विशेष ज्योतिर्लिंग है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश हम तीनों को देख सकते हैं। जिस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ हो, उसके शौर्य, पराक्रम और शक्ति की कल्पना आप कर सकते हैं, यह कितना अद्भुत होगा। त्र्यंबकेश्वर के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का, मंदिर के दर्शन करने का क्या विधि है जिससे मैं पूर्ण फल की प्राप्ति हो, ये मैं आपको बताऊँगी। त्र्यंबकेश्वर के इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टेट से आ रहे हो, आप वहाँ से नासिक रोड के लिए ट्रेन लें और नासिक रोड से त्र्यंबक नामक स्थान में स्थित यह त्र्यंबकेश्वर मंदिर 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बस का किराया 50 रुपये है, वो आपको सीधा मंदिर के पास ही उतारेंगे। नासिक रोड से हर समय आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिलती है। लाखों की संख्या में लोग रोज़ यहाँ इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को लाते हैं, दुख कष्ट को दूर करते हैं। तो हम क्यों देर करें, चलिए हम भी चलते हैं त्र्यंबकेश्वर। पहुँच गए त्र्यंबकेश्वर मंदिर, सामने से ऐसा दिखता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, इस ज्योतिर्लिंग का और मंदिर का दर्शन करने की एक अलग विधि है। वो ये है कि आप इसे सीधा जाकर अगर दर्शन करते हैं तो शायद आपको इसका पूरा फल ना मिले। तो इसके लिए यहाँ पे कुशावत स्नान कुंड है। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। मंदिर और ज्योतिर्लिंग दर्शन के पहले लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और फिर वो ज्योतिर्लिंग और मंदिर का दर्शन करते हैं। अगर आपको ठंड लगी, आप स्नान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप जल लें और जल का छिड़काव अपने ऊपर अवश्य करें, उसके बाद ही आप मंदिर का दर्शन करें। मेरा बेटा आयुष्मान नहाना नहीं चाह रहा है, लेकिन इसे डुबकी लगवाना है तो मैं कोशिश कर रही हूँ। ये हमारा ज्योतिर्लिंग है और अच्छे से हम दर्शन करेंगे मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग का। ये रहा हमारा त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अब देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ ज्योतिर्लिंग में, और ये स्वर्ण से सजाया गया है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते जाइए और अपने जीवन को धन्य करते जाइए। तो फ्रेंड्स, हम सुबह सुबह पहुंच गए हैं घाट पर, स्नान कुंड पर, स्नान करने के लिए भीड़ बहुत लगी हुई है। ये देखिए, मेरे पति और मेरी बेटी, ये दोनों स्नान कर रहे हैं। मैं और मेरा बेटा पहले ही स्नान कर चुके हैं, क्योंकि हमें दर्शन करना है और हमें पूर्ण फल की प्राप्ति चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे अच्छे से स्नान करना होगा। आप भी जब भी आए तो यहाँ अच्छे से स्नान करें, उसके बाद मंदिर में जाएं और ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। चलिए, हम मंदिर पहुँच गए हैं। बहुत भीड़ रहती है मंदिर में। ये देखिए, यहाँ भी पूजा किया जाता है। हम मंदिर में पहुँच गए, पहले तो प्रणाम कर लीजिए आप। आपका भी जीवन धन्य हो रहा है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी मंदिर तक ज़रूर पहुँचेंगे। हो गए ना, मंदिर के अंदर बाहर हर तरफ इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी, आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आप देख रहे होंगे तो भी उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और भगवान का बुलावा आता है तभी हम यहाँ जा पाते हैं। हम भी कई सालों से कोशिश कर रहे थे यहाँ जाने के, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। इस बार बुलाएँ भगवान तो हम गए, हमने दर्शन भी किया, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति हुई। आप भी जाइए, दर्शन कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना हो, सब मनोकामना भगवान पूर्ण कर, यहाँ जरूर पूर्ण होती है सबकी मनोकामना, आपकी क्यों नहीं होगी। भीड़ देखिए, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, पेशेंट्स के साथ लाइन में लगे रहे, सबको दर्शन करने का मौका मिलता है, लेकिन अंदर थोड़ी जल्दबाजी से पुलिस वाले दर्शन करवाते हैं। हम भी पेशेंट्स के साथ दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने एक दिन में दो बार दर्शन किया। ये हम शाम को जा रहे थे तो शाम को हमने बस जल का छिड़काव किया था और सुबह हम अच्छे से नहाए थे, वो तो आपने देखा ही वीडियो में। ये देखिए स्नान कुंड, ये भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दिन में भी हमने देखा पूरा, बाहर से अंदर से कैसा लग रहा है, रात को भी देखिए उतना ही खूबसूरत लग रहा है। रात को भी मतलब बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलती है यहाँ पर आकर।
यह स्नान कुंड मंदिर के बिल्कुल पास में है, इसलिए नहाने में कोई परेशानी नहीं है। आप आइए, नहाइए और जाकर फिर मंदिर का दर्शन कीजिए। ये देखिए, हम रात को भी आए हैं, दिन भी आए थे। रात को जो मंदिर के अंदर का है, हमने चोरी से बनाया था वीडियो, हमने परमिशन लिया था, परमिशन हमें थोड़ी देर के लिए परमिशन दिए थे, हमने बनाया था वीडियो को। ये देखिए, ये नंदी बाबा हैं, ये देखिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन कीजिए। इसके दर्शन मात्र से ही सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, ये नंदी बाबा हैं और इनके कान में हर कोई अपनी अपनी मनोकामना कहते हैं और वो भोले बाबा तक पहुंच जाती है बात, और वो फिर उसको पूर्ण करते हैं। हर कोई इनके एक कान को बंद करता है ताकि एक कान से बात निकल ना जाए। वैसे बात नहीं निकलती है, भगवान सबकी मन की बातों को जानते हैं, बस यहाँ की विधि है ये, वो बता रही हूँ मैं। ये देखिए, त्र्यंबकेश्वर, श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान। हमारा जीवन तो धन्य हो गया, हमें लगता है आपका भी होगा, आपकी भी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, भीड़ बहुत है लेकिन बहुत ही सिस्टम से सब कुछ यहाँ होता है, बहुत ही आराम से सब लोग दर्शन करते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बाहर से देखिए, ये रात को ऐसा दिख रहा है, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। फ्रेंड्स, ये मंदिर के अंदर का, क्योंकि परमिशन नहीं था बनाने का, लेकिन सभी लोग चोरी चोरी थोड़ा थोड़ा बनाए, तो हमने भी आपके लिए बना लिया कि आप भी दर्शन कर लीजिए। चलिए पूरे मंदिर को देखते हैं, कैसे कैसे मंदिर में जाना है। बस अब ये अंदर और अंदर प्रवेश करेंगे हम। चलिए मंदिर के बचे हुए भाग को भी देख लेते हैं। पूरा मंदिर आप देखिए, ताकि आप वहाँ जाइए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, बहुत आसानी से आप हर जगह पहुँचिए और दर्शन कीजिए। ये देखिए, ये अब और हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और यहीं से लाइन लगता है, जब बहुत भीड़ होती है ना सावन के महीने में, ये सब लाइन से लोग जाते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर, मतलब ये चेयर टाइप का बनाया हुआ है, जो लोग खड़े नहीं हो पाएंगे वो यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। ये देखिए, कुछ महिलाएं हैं जिनके पैर में दर्द है, तो ये आराम से यहाँ बैठ जाएंगी, फिर जब इन्हें लगेगा ये चल सकती है तो फिर ये चलेंगी। ऐसे बैठ बैठ के आराम से आप ज्योतिर्लिंग का, इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत बहुत अच्छा व्यवस्था है हर किसी के लिए। श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान, जय भोले बाबा। आप लोग आइए और दर्शन कीजिए। मैंने इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता तो आपको बताई कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये विशेष ज्योतिर्लिंग है। इसका अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ हैं, और जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ हो तो वह ज्योतिर्लिंग तो अद्भुत होगा ही। मैंने आपको बताया ही कि इसके दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन के सारे दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं, सुख शांति हमारे जीवन में आती है। आपके परिवार में कोई भी कलह हो, क्लेश हो, दुख हो, सब कुछ दूर हो जाएगा, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। आप आइए और आकर दर्शन कीजिए अच्छे मन से, सच्चे मन से, भगवान ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमने भी दर्शन किया, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई, आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो, और इस विशेष अद्भुत अद्वितीय ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन जरूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे तो मैंने आपको पूरी जानकारी दी, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।